चीन में कोरोना से दहशत के बीच अब ये महामारी दुनिया के कई दूसरे देशों में भी तेजी से फैल रही है। अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमण के मामलों में काफी तेजी आई है। कोरोना के नए वेरिएंट XBB.1.5 से यहां बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। अमेरिका के अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी तेजी देखी जा रही है। COVID-19 के नए वेरियंट XBB.1.5 पर अमेरिका ने चिंता जताते हुए इसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा आया है। रिकॉर्ड संख्या में अस्पताल पहुंच रहे मरीज, COVID-19 संक्रमण के साथ अस्पताल में भर्ती अमेरिकियों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखा जा रहा है। अस्पताल में भर्ती अमेरिकियों की संख्या 48,810 तक पहुंच गई है, जो फरवरी 2022 के बाद सबसे अधिक है। अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट XBB.1.5 से संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संदेश में संक्रमण में आई तेजी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार 4 जनवरी को कहा था कि चीन की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपनाए जा रहे तौर तरीकों से अमेरिका बहुत ही चिंतित है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अगर कोई चीन से आ रहा है तो उसकी जाँच की जानी चाहिए। चीन में कोरोना महामारी के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए अमेरिका और भारत सहित कई देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाए हैं।